हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप में से बहुत लोग अभी जून 2017 के टर्म एंड एग्जाम में अपीयर हो रहे होंगे। बहुत से लोगों ने जुलाई 2017 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिसके माध्यम से आप अपने प्रोग्राम के अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में अध्ययन करेंगे। बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उन्हें भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप 10 जुलाई 2017 तक अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में अध्ययन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो अब आपको क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप सबसे पहले इग्नू की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाके चेक करें कि क्या आपका जो नए कोर्सेस हैं वो रिफ्लेक्ट होने लगे हैं वेबसाइट में। अगर आपके नए कोर्सेस यानी कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेस रजिस्ट्रेशन डिटेल में रिफ्लेक्ट होने लगे हैं तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन का कन्फर्मेशन हो गया है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि अभी आपने फॉर्म भरा हो और अभी वेबसाइट पे स्टेटस अपडेट ना हो, तो इसमें आप परेशान ना हो। 10 से 12 दिन बाद ही डाटा अपडेट होता है, हर वीक में होता है। तो अगर आपने अभी कराया है और नहीं हो रहा है तो कम से कम एक हफ्ते का इंतजार करें। और अब हम आज आपको एक बताते हैं एक्शन प्लान फॉर इग्नू स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर जुलाई 2017 सेशन के लिए। जिन लोगों ने जुलाई 2017 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, फर्दर उन्हें क्या करना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले हम बताते हैं BCA, MCA और MP प्रोग्राम के बारे में, जो कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, 6 मंथ के सेमेस्टर होते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और इग्नू की साइट पे आपका डाटा अपडेट हो गया यानी आपका स्टेटस रजिस्ट्रेशन डिटेल में दिखने लगा, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपना स्टडी मटेरियल करेक्ट करें। तो स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, तो इसके लिए देखिए, आपका जो अध्ययन केंद्र है वहाँ आपको संपर्क करना होगा। और अध्ययन केंद्र में स्टडी मटेरियल सामान्यतः जुलाई 2017 सेशन के बच्चों के लिए जुलाई महीने में ही मिलता है। अभी तो मटेरियल यहाँ से सेल्फ स्टडी मटेरियल रीजनल सेंटर से अध्ययन केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद आपको अध्ययन केंद्र के द्वारा कई बार सूचना भी दी जाती है SMS के द्वारा, और आप चूंकि अध्ययन केंद्र के संपर्क में रहते हैं तो आप पता भी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर में, लोकल स्टडी सेंटर जिनको हम कहें, तो लोकल स्टडी सेंटर है, उनका मटेरियल रीजनल सेंटर से ही मिलता है, तो आपके पास क्षेत्रीय केंद्र द्वारा SMS भेजा जाएगा, तो उस समय आप यहाँ पे आके मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो BCA, MCA और MP के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे खासतौर पर बताना चाहूँगा इस स्लाइड के माध्यम से कि जैसे ही आपको स्टडी मटेरियल आपका मिल जाता है, ये जुलाई महीने में मिलेगा, तो आप अपने असाइनमेंट आपको तैयार करने होंगे। और असाइनमेंट तैयार करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे आप असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे, कई बार असाइनमेंट आपको स्टडी मटेरियल के साथ भी मिलता है। असाइनमेंट चूँकि आपने फर्स्ट ईयर के बनाए होंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इनकेस आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे दो वीडियो हमने इस पर बनाए थे कि असाइनमेंट जो के क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से, और दूसरा वीडियो हमने बनाया था कि असाइनमेंट्स बनाए किस तरह जाते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो इन दोनों ही वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देंगे आपको, आप वहां से ये वीडियो देख के और ज़्यादा इस पर डिटेल ले सकते हैं। तो आपको जैसे स्टडी मटेरियल मिल जाता है तो सबसे पहले आपको अपने असाइनमेंट बनाने हैं। असाइनमेंट बनाने के लिए आपको अपने अध्ययन केंद्र में जो काउंसलर्स हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं, और आपको जो अध्ययन सामग्री मिलेगी आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। तो असाइनमेंट बना के जमा कब करना है, असाइनमेंट बना के आपको जमा करना होगा सितंबर या अक्टूबर महीने में। असाइनमेंट शीट पे जनरली लिखा रहता है किस डेट तक सबमिट करना है,
चूंकि आपका 6 महीने का ये सेमेस्टर है और अभी आपने जुलाई 2017 में रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी कि आपको दिसंबर 2017 में एग्जाम में बैठना है, ठीक है ना। तो एग्जाम में बैठने के लिए आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना होगा सितंबर अक्टूबर 2017 महीने में, और इसके बाद जब आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं तो आपको फिर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भी भरना होगा दिसंबर के एग्जाम में बैठने के लिए, और एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे सितंबर अक्टूबर मंथ में। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, यानी कि जनवरी 2018 सेशन के लिए, और वो कब होगा, वो भी ऑनलाइन होगा और वो भी सितंबर अक्टूबर महीने के दौरान होता है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट काफ़ी लंबी होती है लेकिन शुरुआत जो है वो आपकी सितंबर महीने से हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि 3 स्टेप्स आपको लेने हैं अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आपका स्टेप है स्टडी मटेरियल कलेक्ट कीजिए जो कि जुलाई महीने में मिलेगा। इसके बाद आपको असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट बनाने के जो क्वेश्चंस हैं वो जो क्वेश्चन पेपर है असाइनमेंट का वो आप इग्नू की साइट से डाउनलोड कर लें, आपके हो सकता है मटेरियल के साथ भी मिला हो। देन उसको बना के स्टडी सेंटर में आपको सबमिट करना है, और इस दौरान स्टडी सेंटर में क्लासेस भी होंगी आपकी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इन 4 महीनों में क्लासेस होती हैं। जो क्लासेस होती हैं उनका शेड्यूल आपको अध्ययन केंद्र से मिलेगा, अपने अध्ययन केंद्र के संपर्क में रहिए। और इसके बाद जब आप असाइनमेंट बनाकर स्टडी सेंटर में सबमिट कर देते हैं तो उसी दौरान सितंबर अक्टूबर महीने में ही आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना है जो कि दिसंबर में एग्जाम होंगे उसके लिए, और आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना है। समय भी आपको बचाना है, कोई भी सेमेस्टर आपका मिस ना हो, तो उसके लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे वो सितंबर अक्टूबर महीने में भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो जनवरी 2018 सेशन के लिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स BCA MCA और MP इन जो प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे कि उन्हें अब भी आगे क्या करना है। अब आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मास्टर और बैचलर प्रोग्राम है एक्सेप्ट BCA MCA और MP प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट को छोड़ के, तो अब इन्हें क्या करना है, क्योंकि आपका प्रोग्राम पूरा 1 साल का होता है, इसमें सभी मास्टर्स प्रोग्राम हैं, बैचलर्स प्रोग्राम हैं, BA BCOM BSc BTS BSW मास्टर में MA हिंदी MA इंग्लिश MPA MAH, ठीक है ना। तो आपका चूँकि 1 साल का अब है, अभी आपने हो सकता है सेकंड ईयर में रजिस्ट्रेशन कराया हो, कुछ लोगों ने थर्ड ईयर में कराया होगा, तो आपका पहला स्टेप है कि भाई आप भी अपना रजिस्ट्रेशन चेक करिए कि इग्नू की साइट पे आपका नेक्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। इन केस नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो थोड़ा सा वेट करें, 8 से 10 दिन में ये अपडेट होता रहता है। और फिर आपको क्या करना है, आपकी क्लासेस आपके स्टडी सेंटर पे होती हैं, आप संपर्क में रहें, लेकिन इस दौरान आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल आपको चूँकि साल भर का समय है तो जुलाई महीने से मिलना चालू हो जाता है, और ये आपके अध्ययन केंद्र पे मिलता है। जो लोकल स्टडी सेंटर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो अलीगढ़ के लोकल स्टडी सेंटर हैं उनका मटेरियल क्षेत्रीय केंद्र देता है, और आपको SMS द्वारा सूचना भी दी जाएगी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। जब आप मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं, आप अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए, काउंसलर्स की मदद लीजिए असाइनमेंट बनाने के लिए, सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिला है जो आपको, उसको आप अध्ययन कीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें कंटेंट को बताया गया है, समझाया गया है, आपको बहुत मदद मिलेगी असाइनमेंट बनाने में। और मैंने पहले भी बताया कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, उसके लिए वीडियो हमने बनाया है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। जब आप असाइनमेंट बना लेते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय है, आपको जो असाइनमेंट जमा करने हैं वो मार्च और अप्रैल 2018 में जमा करने होते हैं, क्योंकि आपने जुलाई 2017 सेशन में रजिस्ट्रेशन कराया है, आपको अभी मिनिमम 1 ईयर का ड्यूरेशन स्पेंड करना है स्टडी में। आपके एग्जाम अगले जून 2018 में होंगे, ठीक है ना। तो अगले जून 2018 में एग्जाम में अपियर होने के लिए मार्च अप्रैल 2018 में आपको असाइनमेंट जमा करना है, उसी दौरान ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भी भरना है। और इस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। वो आप भरेंगे अगले साल 2018 में फरवरी से मई महीने के दौरान अपने नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। जिनका सेकंड ईयर है वो थर्ड ईयर में जाने के लिए, जो
बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग सेकंड ईयर में हैं वो थर्ड ईयर में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, और मास्टर प्रोग्राम में जो सेकंड ईयर में है उनका तो फाइनल ही हो जाएगा, उन्हें कुछ करना नहीं है, उन्हें केवल एग्जाम देना है, एग्जाम फॉर्म भरना होगा और असाइनमेंट जमा करने होंगे, ठीक है ना। तो अब आपको ये तीन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस इग्नू की वेबसाइट में चेक कर लें, स्टडी मटेरियल जुलाई महीने से मिलना चालू हो जाता है वो कलेक्ट कर लें, देन स्टडी सेंटर में जाके आपकी जो क्लासेस होती हैं काउंसलिंग क्लासेस होती हैं उनका शेड्यूल ले लें, क्लासेस अटेंड करें, और असाइनमेंट बनाने के लिए आप अपने स्टडी मटेरियल के साथ ही साथ जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं जो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा, असाइनमेंट आपको जमा करना है 2018 में, यानी इस दौरान आपके पास काफ़ी समय है, ये 8 से 9 महीने का समय है, इस दौरान आपको केवल अपनी स्टडी करना है, असाइनमेंट बनाना है और जमा करना है आपको 2018 में, और देन फिर उसी दौरान आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भी भरना होगा 2018 के एग्जाम में बैठने के लिए, तब तक आपका एक साल का जो पीरियड है स्टडी का मिनिमम स्टडी पीरियड वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगर आपका थर्ड ईयर है आपके प्रोग्राम में, बैचलर प्रोग्राम में थर्ड ईयर होता है, मास्टर में तो सेकंड ईयर के बाद फाइनल हो गया, तो बैचलर प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं जो सेकंड ईयर में, उन्हें अपने थर्ड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा जो कि 2018 सीजन के लिए माना जाएगा, और वो रजिस्ट्रेशन होगा फरवरी से लेकर मई महीने में 2018 में। तो अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो एक नज़र देखिए आपका जो प्रोग्राम है, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ इग्नू प्रोग्राम, जो मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनका प्रोग्राम 2 साल का होता है, उन्हें मैक्सिमम 5 साल मिलते हैं पूरा करने के लिए, बैचलर प्रोग्राम में 3 साल का प्रोग्राम होता है, 6 साल मिलते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम में जो बच्चे एडमिशन ले रखे हैं उन्हें कुछ प्रोग्राम में 3 साल का समय मिलता है, कुछ 4 का, और जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है सभी 6 महीने के होते हैं और मैक्सिमम 2 ईयर का समय मिलता है प्रोग्राम को कम्प्लीट करने के लिए। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जैसे MCA प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, 3 साल का प्रोग्राम है, 6 साल समय मिलता है। इसी तरह MLIS, इसमें 1 साल का प्रोग्राम है और अधिकतम 4 साल मिलता है। सेम यही चीज़ BLIS में है। तो ये एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रोग्राम कम से कम समय में पूरा करना है, तो ये इसके लिए आपको समय से अपना रजिस्ट्रेशन कराते रहना है, असाइनमेंट जमा करना है, एग्जाम में अपीयर होना है। एक स्ट्रक्चर इग्नू का जिस जो लर्निंग मैकेनिज्म है, आप अध्ययन किस तरह करते हैं, तो हेडक्वार्टर लेवल पे आप देखें अगर तो वहाँ पे इंटरनेट के द्वारा आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, रेडियो काउंसलिंग होती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, प्रिंटेड मटेरियल आपको दिया जाता है, और अब आजकल हेडक्वार्टर मोबाइल के द्वारा भी SMS करता है आपको, जो शेड्यूल्स हैं एग्जाम्स के, हॉल टिकट की इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन के हैं वो भी SMS भेजा जाता है। स्टडी सेंटर में आपकी लाइब्रेरी होती है, फेस टू फेस काउंसलिंग होती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और साथ ही साथ लैब्स में आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, वर्कशॉप होती हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है यहाँ पे अध्ययन का, जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है, परंपरागत सिस्टम होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जाते हैं, डेली जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, और उन्हें उन मोटी मोटी किताबों को अध्ययन करना होता है। यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस का माध्यम है, इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो बहुत ही उत्सुक होता है, और वो जो कंटेंट है अध्ययन का जो कंटेंट है उसको विभिन्न आयामों के द्वारा, विभिन्न माध्यमों के द्वारा लेके आता है, कलेक्ट करता है, चाहे वो इंटरनेट का माध्यम हो या दूसरे प्रिंट मटेरियल्स हैं या ऑडियो वीडियो CDs हैं। तो यहाँ पे जो अध्ययन का पैमाना है इसमें बहुत विविधता है, जो कन्वेंशनल सिस्टम है उससे काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। तो ये आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, और इस शेड्यूल को आप ध्यान में रखें जिससे आपका एग्जाम फॉर्म भरना मिस ना हो। इसी तरह ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का शेड्यूल है, और इस शेड्यूल को आप बिल्कुल ध्यान में रखें, जो पहले ही बना रखा है, और बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि अगर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन होता है आप अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कीजिए। इसके बाद जो भी काउंसलिंग क्लासेस हैं थ्योरी प्रैक्टिकल की जो आपके लिए एप्लीकेबल है उनको अटेंड कीजिए, असाइनमेंट बनाइए, हेल्प लीजिए किताबों की हेल्प लीजिए, लाइब्रेरी किताबों की हेल्प लीजिए, काउंसलिंग क्लास की हेल्प लीजिए, और जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं उनकी मदद लेके असाइनमेंट बनाइए, असाइनमेंट सबमिट कीजिए अपने स्टडी सेंटर पे,
और इसके बाद असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हैं। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है नेक्स्ट ईयर या सेमेस्टर के लिए अगर आपको बचा हुआ है प्रोग्राम तो, और साथ ही साथ आप अपने अध्ययन केंद्र और क्षेत्रीय केंद्र के संपर्क में रहें, वेबसाइट का अध्ययन करते रहें। तो ये चीज़ें थी, मैंने पहले ही बताया आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं, उसके लिंक मैंने नीचे दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कैसे असाइनमेंट बनाना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आई कार्ड का बहुत ध्यान रखें आप, आई कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जब भी आप अपने अध्ययन केंद्र या क्षेत्र केंद्र में संपर्क करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लासेस जब आप अटेंड करेंगे तो आपका आई कार्ड देखा जाएगा, और ख़ासतौर पर एग्जाम में आपका आई कार्ड बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हॉल टिकट एक बार नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि आपका नाम लिस्ट में है, लेकिन अगर आई कार्ड नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आई कार्ड को आप संभाल के रखें, और अगर आपका आई कार्ड मिस हो गया है तो डुप्लीकेट आई कार्ड कैसे बनाते हैं इसके लिए भी ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। और कुछ स्टडी सीक्रेट्स आपको शेयर करना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट, कि आप किसी भी चीज़ पर पैनिक मत होइए। और ज़्यादातर मैंने देखा है एग्जाम के समय बच्चे स्ट्रेस लेते हैं और छोटी छोटी बातों में पैनिक हो जाते हैं, तो बिल्कुल पैनिक ना हो। और जब भी आप अध्ययन करते हैं तो जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं उसको आप एक रिसर्चर की तरह उसके सभी पहलुओं को देखिए, और साथ ही साथ आप जब अध्ययन करते हैं तो एक गोल पहले से डिज़ाइन कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ें इतने समय में करना ही करना है, तभी आपका स्टडी अच्छे से हो पाएगा। और मैंने देखा बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन के समय कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं, सुबह से लेकर कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो होगा क्या कि यहाँ तो सब पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं आएगा कि पढ़ा क्या था। तो इतना कंटिन्यूसली मत करिए, बीच में ब्रेक रखिए, तभी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से रिमेम्बर होंगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे चीज़ों को। और एक और बहुत अच्छा आइडिया होता है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको याद रखने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, टीच करिए उनको, जिस टॉपिक को आपने स्टडी किया है उस पर डिस्कस करिए, इससे आपके दिमाग में वो चीज़ें एकदम से बैठ जाएंगी, लंबे समय के लिए आप उसको याद कर पाएंगे और अच्छे से आंसर्स लिख पाएंगे। और जब भी आप अध्ययन करते हैं तो उसको आप पॉइंटेबल स्टडी कीजिए, पॉइंट्स नोट कीजिए, बाकी आप एग्जाम में तो वैसे भी डिटेल में लिख लेंगे अगर आपने थोड़ा बहुत उस टॉपिक पे रिसर्च किया है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। साथ ही साथ जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो 3 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर आप डाउनलोड करें और वो क्वेश्चन देखें, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या स्ट्रक्चर है एग्जाम का। और एग्जाम में जाने के पहले जो भी आपने पढ़ा है टॉपिक्स, जो भी आपने स्टडी किए हैं, जो भी नोट्स बनाए हैं, उनको एक बार रिवीजन जरूर कर लें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है जिस पे आप ध्यान नहीं देते एग्जाम के दौरान, उस दौरान आपका जो डाइट है वो बिल्कुल सादा रखिए, लाइट डाइट रखिए, इससे बिल्कुल आप ठीक ढंग से एग्जाम दे पाएंगे, सही रहेगा आपका स्वास्थ्य, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आज के वीडियो के माध्यम से हमने आपसे शेयर की। और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारी इग्नू की साइट विजिट कर सकते हैं, क्षेत्रीय केंद्र के वेबसाइट, फ़ोन नंबर, एड्रेस, टाइमिंग स्क्रीन पे है, कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियो आपसे संबंधित हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उनका लाभ लीजिए। और आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, वो उससे हमें अवगत कराइए, मैसेज कीजिए, जिससे हम और भी चीज़ें, आपके काम की चीज़ें आने वाले समय में लेके आ पाएँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इग्नू विशेष ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एकेडमिक फ्यूचर। थैंक यू।